हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड में। और आज हम बहुत विशेष वीडियो लेके आ चुके हैं आपके लिए, वो भी टनल के एंड से, जहां पर ये टनल कुछ ही दिनों में खुलने वाली है दोस्तों, आर पार होने वाली है। तो हम बताएंगे ये लोकेशन कौन सी है जिसकी टनल आर पार होने वाली है और कहाँ पर टनल आर पार हो चुकी है, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दो जानकारी मिलने वाली है आपको, तो इस वीडियो में बने रहें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम आपको इन खबरों के बारे में बताते हैं जो चल रहा है चारधाम रेल परियोजना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सेलिब्रेशन के, जो इस तिरंगे के साथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सबसे बेहतरीन पल है, क्योंकि जब टनल आर पार होती है दोस्तों, वो मोमेंट बहुत ख़ास होता है इन इंजीनियरों के लिए। और छोटी हो या बड़ी टनल, काम सिर्फ होता है उसे आर पार करना जल्द से जल्द। तो यहाँ तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पैकेज नंबर 3 की, जो 82 से देवप्रयाग का पैकेज है, हमारा पैकेज 3 है, जिसमें कई टनलें हैं छोटी छोटी। और यहाँ पर जो टनल है 1270 मीटर की, जो टनल है वो ब्रेक थ्रू हो चुकी है, उसका ये सेलिब्रेशन है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और ये काफ़ी बड़ा मोमेंट होता है दोस्तों, इसे एक त्यौहार की तरह बनाया जाता है। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से इस टनल को सजाया गया है और कितने खुश हैं इंजीनियर लोग जब ये ब्रेक थ्रू होता है। और जल्द ही हम एक और ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल आपको जल्दी मिलेगी और वीडियो अपडेट मिलेगा दोस्तों, लाइव वीडियो देंगे हम वहाँ से आपको इसी टनल का, जिस टनल में अभी हम घूम रहे हैं। बस ये कुछ ही दिनों में यहाँ पर ब्रेक थ्रो होने वाली है, एक हफ्ते बाद जब हम मिलेंगे तो ब्रेक थ्रो के साथ ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम खबर लेके आते हैं आपके लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है 3 किलोमीटर की टनल जहाँ हम अभी आपको दिखा रहे हैं, तो ये भी ब्रेक थ्रो होने वाली है। और ये हमारे श्रीनगर के पास में ही टनल है, तो यहाँ पर ज़रूर आपको देखना चाहिए दोस्तों।